नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आज बीजेपी के अंदरूनी कलह का निपटारा किसी तरह से हुआ ही था कि बंगाल से पार्टी को बड़ा झटका लगता है। 2017 से टीएमसी के दिग्गजों को तोड़ करके बीजेपी में लाने वाले मुकुल राय ने घर वापसी कर ली है। वहीं बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर उनके पुत्र तेज प्रताप यादव के नीतीश के सहयोगी जीतन राम मांझी से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो राजस्थान में बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब होने से हलचल बेहद तेज हो गई है और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर इन राज्यों में उथल पुथल जो हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, वो बीजेपी के लिए क्या संकेत दे रही है, बीजेपी को क्या दिखा रही है। इन चार राज्यों में बड़ी सियासी गर्मी से बीजेपी के नेता भी बेहद चौकस हो गए हैं, एकदम अलर्ट हो गए हैं। बीजेपी एकदम अलर्ट मोड पे आई हुई है। दरअसल राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इस बात का मौजूदा दौर को देख करके सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह एक के बाद एक पार्टी बदल रहे हैं नेता, उससे साफ मालूम हो रहा है कि देश के कई राज्यों में सियासी गलियारों में उठापटक होनी शुरू हो गई है। इस उठापटक ने बीजेपी को जरूर सोचने पे मजबूर कर दिया है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय दिल्ली में है, वो गुरुवार को दिल्ली आ गए थे, आज का दिन भी उनका मुलाकातों का दौर रहा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन और सरकार में एक तरह से फेरबदल करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस पर बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अंतिम मोहर का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही सरगर्मियां तेज हो गई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। शाम को नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने भी पहुंचे और ये भी बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव को लेकर के एक गहन मंत्रणा चल रही है, मंथन हो रहा है। तीनों नेताओं के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा भी हो रही है। वहीं इस वक्त सीएम योगी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे होंगे, रामनाथ कोविंद से बातचीत कर रहे होंगे। सुबह मोदी और योगी के बीच में लगभग 80 मिनट तक बातचीत हुई। नॉर्मली ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी लंबी बात किसी से बहुत कम करते हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को लगभग ये समझ लीजिए कि 1.5 घंटे के करीब बातचीत की मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी से, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बैठक चलती है। इस बैठक में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड उनके सामने प्रस्तुत किया। इसके अलावा योगी कैबिनेट में विस्तार होने वाला है, उस पर भी बातचीत हुई। और कुल मिला के जो देखा जा रहा है वो ये है कि यूपी में आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर के बीजेपी बिल्कुल अलर्ट मोड में है, क्योंकि 4 राज्यों में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी सब जगह बना रहे हैं, कुछ जगह बीजेपी के लोग जो हैं दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ये सब चीज़ें बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रही है। तो ये थी आज शुक्रवार की सबसे बड़ी खबर। शुक्रवार का जो वार रहा है वो काफी तेज रहा है, इसके नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।